हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीएसएस यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरिट लिस्ट और यूजीपीजी के रजिस्ट्रेशन को लेकर आज की लेटेस्ट अपडेट है। स्क्रीन पर आप लोग आज की लेटेस्ट न्यूज़ देखें। यूजीपीजी के पंजीकरण बंद, कल जारी हो सकती है मेरिट। जी हाँ दोस्तों, यूजी कोर्सेस बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए और पीजी कोर्सेस एमए एमएससी एमकॉम के एडमिशन खत्म हो गए हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यानी बंद हो चुके हैं। अब अगर रजिस्ट्रेशन की डेट आगे नहीं बढ़ती है, स्पेशली पीजी वालों की, तो कल जारी हो सकती है पहली मेरिट, ठीक है। यूजी पीजी दोनों की जो मेरिट है कल जारी हो सकती है। फिलहाल पीजी कोर्सों के जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो आगे बढ़ सकती है, यूजी कोर्सों की अब मुश्किल है। यूजी कोर्सों की जो सेकेंड कट ऑफ है उसके लिए एक दो दिन में ऑफर लेटर जमा होना शुरू हो जाएंगे, या तो कल से हो जाएंगे जमा होना या फिर परसों से, ठीक है। ये दो दिन है, अगर कल से जमा होना स्टार्ट नहीं होते हैं तो परसों से ऑफ़र लेटर जमा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दो दिन लेंगे ऑफ़र लेटर जमा करने के लिए, इसके बाद में आएगी ओपन मेरिट, फिर तीन दिन मिलेंगे एडमिशन कराने के लिए, ठीक है। तो ऑफ़र लेटर जैसे ही जमा होना शुरू हो जाएंगे आपको बता देंगे, और आप अपना ऑफ़र लेटर तुरंत कॉलेज में जमा कर देना ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल कर, ठीक है। तो पीजी कोर्सों में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ जाएगी, काफ़ी संभावना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरने से रह गए हैं, ये लास्ट डेट आगे बढ़ जाएगी, कम से कम 25 तक ये लास्ट डेट हो जाएगी, ठीक है। बढ़ने पर आपको बता दिया जाएगा। एलएलबी में चलते रहेंगे यू पंजीकरण यूजी पीजी के। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिशनल प्रोफेशनल कोर्स में ऑनलाइन पंजीकरण बंद होने के बावजूद एलएलबी के लिए पंजीकरण अभी चलते रहेंगे। इस समय विश्वविद्यालय के 80 कॉलेज एलएलबी के लिए प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन हैं। आप देख रहे हैं, अगर एलएलबी आपको करनी है सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज से, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर नहीं कराया है तो। इनमें चार एडेड कॉलेजों में भी एलएलबी के लिए पंजीकरण कराए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मेरठ कॉलेज में 300 सीटों पर 1665, एनएएस में 180 सीटों पर 1417, एनआरईसी कॉलेज में 120 सीटों पर 598 और एमएच कॉलेज गाजियाबाद में 120 सीटों पर 1008 पंजीकरण किए जा चुके हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है। अगर इनमें एडमिशन चाहिए तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लगभग तीन चार चार गुना रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सीटों के सापेक्ष। तो अगर इन गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन चाहिए तो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं, प्राइवेट एडेड कॉलेज में। ये हैं गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट एडेड कॉलेजों की फ़ीस ज़्यादा होगी, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड की फ़ीस कम होगी। तो आप देख लें, ये यूजी कोर्सेस पीजी कोर्सेस इनके जो रजिस्ट्रेशन है वो एंड हो चुके हैं और एलएलबी के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो एलएलबी के रिगार्डिंग, यूजी पीजी कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।